हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ हमारे ब्लॉग के, मतलब मेरी ससुराल है सॉल्ट लेक में, और वहीं पे ब्लॉग में जगद्धात्री पूजा हो रही है, तो उसी का ही ये अरेंजमेंट जो आप देख रहे हो। तो जगद्धात्री पूजा में हमारे ब्लॉग में हर साल ही मेला बैठते हैं, लेकिन इस साल थोड़ी छोटी करके मेला बैठ रही है, क्योंकि बस छोटी सी ही बैठ रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से कोई राइड्स नहीं बैठ रही है, कोई भी झूला या कुछ भी नहीं बैठ रहा है इस साल। और देखिए, बहुत छोटा सा ही बस दुकान है कुछ, और कुछ नहीं बैठ रहा है। और उसके बाद आपको जो मैं दिखाने वाली हूँ वो है जगद्धात्री माँ की पंडाल। तो देखिए, पंडाल की हालत देखिए, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, ऐसी लग रही है, लेकिन ये सच नहीं है। सच बात तो ये है कि पंडाल कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन कल इतनी ज़ोर से सुबह बरसात हुई कोलकाता में 4 बजे सुबह, तो उस टाइम इतनी ज़्यादा हवा चली है कि पंडाल पूरा टूट फूट गया था, सब कुछ उलट पुलट हो गया था, और उसी का ही रिपेयरिंग चल रही थी यहाँ पे, जो आप सामने देख पा रहे हो। और आज सारा दिन बस यही हुआ, पंडाल का पूरा सारा रिपेयरिंग हुआ, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ऐसा हुआ तो क्या कर सकते हैं, ये तो किसी के हाथ में नहीं है, तो इसलिए हम लोग बस सुबह ही देख रहे थे। मैं तो एक बात कहनी भूल ही गई कि मैं कल ससुराल आ गई थी, और क्योंकि वहाँ पे माँ की पूजा भी थी और साथ में एक प्रोग्राम भी थी, किसी का श्राद्ध था इसीलिए। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पैंडल को घूमने के लिए चले आए, और वो हमारे ही ब्लॉक में है पैंडल, और पूजा हमारे ही ब्लॉक में हो रही है, तो इसीलिए हम लोग वही घूम के देख रहे थे, और तभी देखा ये हालत है पंडाल की। और उस वक्त मैंने भी थोड़ी सी फुल पिक्स दे दी है, वीडियो क्लिप दे दी है। मैं आज कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और उसके बाद देखिए, ये है रात की पंडाल की लुक, जब पूरा पंडाल तो अभी तक भी रेडी नहीं हुई है, आज रात तक शायद हो जाए तैयार पूरा, और उसके बाद मैं आपको दिखा दूँगी। पर अभी का लुक ऐसा है रात को, बट बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है पंडाल, और पता नहीं आज रात शायद और भी ज़्यादा सुंदर लगे पंडाल। और फिर कल दिखाएंगे फुल लुक पंडाल की, कि कैसा लग रहा है फाइनली हमारा पंडाल, और इसका तो फुल लुक मैं कल ही दिखाऊंगी। और इसके बाद देखिए, हम जा रहे हैं थोड़ी घूमी घूमी करने पतिदेव के साथ, और बेटी है उसके अम्मा और दादा के पास, और मैं और पतिदेव थोड़ी घूमने जा रहे हैं। तो सोचे आज घर के ही पास है सिटी सेंटर, तो वही हम लोग थोड़ी घूम के आ जाए, तो इसीलिए गए थे, और अभी हम लोग जा रहे हैं सिटी सेंटर। और साथ में देख लीजिए ब्लॉक में कितना सुंदर लाइटिंग लगा हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा था ब्लॉक, इतना सुंदर सजा हुआ, दुर्गा पूजा के टाइम ही ऐसी सुंदर से सजा हुआ मिलता है कोलकाता, लेकिन दुर्गा पूजा के बाद फिर हमारे ब्लॉक में बहुत सुंदर से सजाते हैं जब जगद्धात्री पूजा होती है तब, और इसीलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमने बस उसी का ही थोड़ी सी क्लिपिंग आपके साथ भी शेयर की है, देख लीजिए हमारा ब्लॉग बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और उसके बाद ये देखिए, हम लोग तो अभी ऑन द वे हैं
सिटी सेंटर जा रहे हैं, पहले ही आप लोगों को बोले हैं। और आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद पतिदेव के साथ फिर से घूमी घूमी करने जा रहे हैं। और फिर ये देखिए हम लोग पहुँच गए अल्टीमेट सिटी सेंटर। और ये जब एंट्री करते हैं सिटी सेंटर वन में, तो ये गेट के पास ही है, बहुत सुंदर सा एक ट्रम है और सामने एक घोड़ा है, बहुत अच्छा लगता है देखना। तो मैंने थोड़ी सी क्लिपिंग्स की भी ले ली और अब हम अंदर जा रहे हैं सिटी सेंटर के। और अंदर जाने के समय बीच में ही एक फाउंटेन पड़ता है, बहुत सुंदर सा फाउंटेन है और उसके साइड में बैठने की जगह भी बना हुआ है जहाँ पे सब लोग बैठते हैं, कपल्स बैठते हैं और जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वैसा ही कुछ दोस्त लोग बैठते हैं, फ्रेंड्स बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सब लोग बैठ के वहाँ पे मज़े करते हैं, बातें करते हैं। लेकिन आज तो फ़िलहाल मैं और पतिदेव ही गए हैं और हम दोनों कुछ देर वहाँ पे बैठे हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है वहाँ पे बैठ के। और हम दोनों वहाँ पे कुछ देर बैठे हैं, देखिए सामने ही है फाउंटेन, बहुत प्यारा सा लगता है वो जगह। जो लोग कोलकाता में रहते हैं वो लोग तो शायद बहुत बार किए हैं, लेकिन जो बाहर के हैं उन लोगों को मैं बोल रही हूँ, ये जगह बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है दिल को बैठने के बाद। तो उसके पास बैठ के बातें करना बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद हम लोग देखिए दोनों बैठे, थोड़ी देर बातचीत की है, उसके बाद हम लोग चले गए किसी से मिलने और एक शॉपिंग मॉल में भी गए थे थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। और उसके बाद देखिए मैंने कुछ क्लिपिंग्स ली है आसमान की, क्योंकि तब देखिए इतना सुंदर लग रहा था आसमान, देखिए बिल्कुल क्या कहते हैं, बहुत सुंदर से कलर आया था पीला पीला। और उसके बाद मुझे पता चला ये आसमान की तो नेचुरल कलर नहीं है, ये वहाँ पे एक लाइट लगा हुआ था उसका कलर है। जो भी हो बहुत सुंदर लग रहा था इसलिए मैंने एक क्लिपिंग ले ली। और उसके बाद मैं जा रही हूँ किसी से मिलने, और उससे मुलाकात आप लोगों की पहले भी हो चुकी है और फिर से नई कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अभी नहीं बोलूँगी कि मैं किससे मिलने जा रही हूँ, आप लोग खुद देख लेना उसके बाद मैं किससे मिलने जा रही हूँ अभी। और फिर वहीं पे जाने के टाइम मैंने रोड की कुछ वीडियो क्लिपिंग ले ली, बहुत सुंदर लग रहा था रास्ता और मैंने सोचा थोड़ी सी आप लोगों के साथ भी कुछ शेयर कर लूँ, कोलकाता की रास्ता कैसा लगता है रात को, शाम को। उसके बाद देखिए हम लोग पहुंच गए हैं मॉल के सामने और यहीं पे हम लोग मीट करने वाले थे जिससे हम मिलने गए थे। और यहाँ पर देखिए मेरे पतिदेव खा रहे हैं लेमन सोडा, पी रहे हैं सॉरी, और उनकी पेट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था इसीलिए वो लेमन सोडा पी रहे थे। ये देखिए हम लोग जिनसे मिलने गए थे अल्टीमेट वो पहुँच चुके थे, ये मेरे भैया हैं, आप लोगों को पहले भी मिलवा चुकी हूँ मैं उनसे, और उनसे उनका ही घर एक्सिस मॉल के पास ही है। वो यहाँ पर बहुत सुंदर सा एक एग्जीबिशन चल रहा था, वो था पेंटिंग एग्जीबिशन, और जो कि बहुत ही सुंदर एक एग्जीबिशन चल रहा था वहाँ पे, और इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग था वहाँ पे कि क्या बताऊँ, जिसने भी बनाई है बहुत खूब बनाई है। और सबसे ज़्यादा सुंदर तो राधा कृष्ण की जो पेंटिंग है वो मुझे लगी है। और उसके बाद हम लोग चले गए फिर अंदर और बहुत कुछ ख़रीदना था लेकिन क्या करूँ, अल्टीमेट मुझे नहीं मिला। और फिर पतिदेव एक शॉप में चले गए, उनकी कुछ ज़रूरी
काम था और मैं और मेरे भैया फिर उस टाइम थोड़ी देर इधर उधर घूम रहे थे, और जो मुझे ख़रीदनी थी तो वो तो मुझे अल्टीमेट नहीं मिली, तो क्या करूँ। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए और उसके बाद हम लोग बाहर आके फिर थोड़ी सी पानी पूरी खा ली मैं और मेरे भैया, क्योंकि मेरे पति देव की तो पेट ख़राब थी ऑलरेडी, वो नहीं खाए, और मैं और मेरे भैया पानी पूरी खा लिए थोड़ी सी, और उसके बाद हम लोग चले गए भैया के घर। तो आज की वीडियो फिर यहीं पे एंड करते हैं, और फिर कल मिलते हैं कोई नई ब्लॉग के साथ। और आज की ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा या कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा या अच्छा लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय दोस्तों।